नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कुछ जो न्यूज है वो हमेशा चर्चा में रहती है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा होगा या आपने कोरल रीफ के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे इकोसिस्टम में, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कोरल रीफ। तो उसी में से एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपको ऑस्ट्रेलिया के तट पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी बायोडाइवर्सिटी आपको अधिकतम देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण है। ये हमको कई प्रकार की सर्विस उपलब्ध करवाता है, चाहे वो वाटर प्यूरिफिकेशन की सर्विस हो, चाहे वो मेडिसिन की सर्विस हो, चाहे वो अदर कोई सर्विसेस हो, जो भी हमारे इकोसिस्टम से संबंधित हो वो कोरल रीफ हमको उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात हो तो उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए न्यूज़ क्यों है, क्योंकि ये लगातार हमको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉम देखने को मिलते हैं इस तट पे, और कई प्रकार की अन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके कारण ये हाल ही में चर्चा में था, जैसे अडानी का प्रोजेक्ट था, यहाँ पर प्रोटेक्स्ट हमको देखने को मिले। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट कंसर्न और ह्यूमन मेड कंसर्न, तो उनके कारण ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसमें हमको इरोजन देखने को मिल रहा है, इसमें हमको कोलिजन देखने को मिल रहा है। इरोजन के कारण इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी कम लेवल पे हमको देखने को मिल रही है। तो आवश्यकता है इसको रिस्टोर करने की, ग्रेट बैरियर रीफ को। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, क्रायोमैस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस जो ये ग्रेट बैरियर रीफ की जो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही थी उसमें इरोजन हो रहा था, उसको फ्रीज किया है और उसको रीस्टोर करने का काम इसके टेक्नोलॉजी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट इसमें किया गया है। तो ये न्यूज थी हमारे लिए। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये क्या है, इनके ऊपर कई प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं, इस बात को आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रायोमेस टेक्नोलॉजी। क्रायो का मतलब है बहुत अधिक लेवल पर, हम क्या ले जाते हैं उसको, बहुत कम लेवल पर टेम्परेचर को ले जाते हैं, उस कम टेम्परेचर में हम इनको रिस्टोर करने का, फ्रीज करने का, रिस्टोर करने का प्रयास करते हैं। क्रायोमेस टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, लार्वीज को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाएंगे और इनको फ्रीज और स्टोर करने का काम करेंगे। ये केवल न्यूज थी। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम कोरल रीफ्स को पढ़ें। तो आप कोरल रीफ का मतलब ये है कि ये इनवर्टिब्रेटा एनिमल से बिलोंग करते हैं, ये कलरफुल होते हैं और ये सेनिडेरिया फैमिली से एनिमल हमको देखने को मिलते हैं। तो इस शब्द को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, एक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जिसको पॉलीपॉप बोलते हैं, एक आपको जू जेंथलीज हमको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में हमको क्या देखने को मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन और जू जेंथली, हमें इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलेगा। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब है कि आपस में सह अस्तित्व में रहते हैं, अगर एक व्यक्ति इनको रहने की जगह देता है तो दूसरा व्यक्ति इनको खाना उपलब्ध कराएगा। खाना कौन उपलब्ध कराएगा, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कैसे उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनको खाना उपलब्ध कराएंगे और बाकी चीज इनको रहने की जगह उपलब्ध कराएंगे। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब कि दोनों व्यक्तियों को क्या होता है, लाभ होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज देखने को मिले कि अगर दोनों व्यक्तियों को लाभ हो तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, तो ये हमको कोरल रीफ में हमको इस प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन हमको देखने को मिलता है, इस बात को आपने समझा। तो पॉलिप्स और एल्गी, तो प्लांट कौन हो गए, एल्गी। तो पॉलिप्स और कोरल पॉलिप्स जिनको एनिमल बोलते हैं और एल्गी के आपस के मध्य हमको देखने को अक्सर मिलता है सिम्बायोटिक रिलेशन। इसके मध्य दोनों को क्या होता है,
प्लस प्लस मतलब दोनों को लाभ होता है और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, इनहेंस करने का प्रयास करते हैं और ये हमको कई प्रकार की प्रोविजनल सर्विस उपलब्ध कराने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, चाहे वो मेडिसिन का प्रोडक्शन हो और भी अन्य प्रकार की सब सर्विस हो, तो इनके द्वारा उपलब्ध हमको कराई जाती है। ठीक है, और इनको वही चीज लिखी है कि वेव्स के द्वारा, स्टॉर्म के द्वारा इनको खतरा होता है, क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनको खतरा होता है। ठीक है, तो टू टाइप के हमको देखने को मिलेंगे, एक हार्ड कोरल्स हमको देखने को मिलेगा, एक सॉफ्ट कोरल्स हमको देखने को मिलेगा। सॉफ्ट कोरल का मतलब है फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबल कौन होंगे, क्योंकि इसमें सॉलिड क्या होगा, स्केलेटन इसकी मात्रा हमको कम देखने को मिलेगी, तो इसलिए चीज क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, जबकि हार्ड में जो सॉलिड स्केलेटन है उसकी मात्रा हमको अधिक देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि इनका जो रीफ बिल्डिंग कोरल होगा वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट्स की अपेक्षा अधिक बिल्ड क्या करेगा, इसको एक्सट्रेट करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, इनकी जो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और जो सॉलिड स्केलेटन है वो उसमें अधिक हमको मजबूती देखने को मिलेगी, तो इसलिए क्या होते हैं, हार्ड और कोरल, सॉफ्ट कोरल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें समझा क्यों न्यूज में था, तो आपके लिए दो बातें महत्वपूर्ण है, आप क्रायोमेंस टेक्नोलॉजी को याद रखेंगे, अक्सर या एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक आपने शब्द सुना होगा कोरल ब्लीचिंग, तो कोरल ब्लीचिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लांट है, ये एनिमल्स है, ठीक है, जिसको कोरल पॉलीपॉप्स बोलते हैं, तो कोरल पॉलीपॉप्स और एल्गी के मध्य हमको सिम्बायोटिक रिलेशन से हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, सब अच्छे से रह रहे थे, परिवार बिल्कुल सुख था, संपन्न था, पैसा था, सब था, लेकिन बाहर से कौन आ गए, इन्वेडर आ गए। इन्वेडर के रूप में हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज आ गया, पॉल्यूशंस आ गया, हाई सोलर रेडिएशंस आ गई, तो देखो टेम्परेचर बढ़ गया, स्टॉर्म आ गए, पॉल्यूशंस आ गया, हाई सोलर रेडिएशन आ गई, तो इसके कारण क्या होगा, इनके मध्य आपस में जो सिम्बायोटिक रिलेशन था वो आपस में टूटने लगा, तो इनके सिम्बायोटिक रिलेशन टूटने से जो चीज इनके अंदर कलरफुल हो जाती थी सिम्बायोटिक रिलेशन के कारण, वो क्या हो गया, स्ट्रेस में आ गए, और स्ट्रेस में आने के बाद जो इनके सम सिम्बायोटिक रिलेशन हमको देखने को मिला वो इनके मध्य बिल्कुल खत्म हो गए और ये क्या हो गए, ब्लीच हो गए, ब्लीच मतलब बिल्कुल व्हाइट हो गए, इनको बोलते हैं ब्रंजन, क्या बोलते हैं, कोरल ब्रंजन। ठीक है, तो अगर ये कलरफुल थे तो आगे कैसे हो गए, इस प्रकार को हो गए, क्योंकि जो सिम्बायोटिक रिलेशन था वो क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गए, दोनों व्यक्ति कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो इस प्रकार को बोलते हैं हम कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो ये शब्द आ गया तो आप इसको आसानी से लिख बता सकते हैं कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। तो हमारे देश में कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में हमको देखने को मिलेगा कोरल रीफ्स, उसके बाद आपको मालवन में देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार में हमको इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बाउंड्रीज है, हमारी जो तट है, वहां पे हमको कोरल रीफ अधिकांश बहुत कम लेवल पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हाई जो कोरल रीफ है वो हमको जो रेड वाले आपको स्पॉट दिख रहे हैं वहां पे हमको देखने को मिलेगा, अधिकांश आपको इधर देखने को मिलेगा, इस रीजन में हमको कोरल रीफ अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे, मीडियम आप येलो वाले रीजन में देखेंगे और लो आपको जो आपको ब्लू वाला डॉट दिख रहे हैं वहां पे आपको लो लेवल पे कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे, और नो ब्लीचिंग्स हमको जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाकी जो आपको इस टाइप के जो ब्राउन टाइप के स्पॉट दिख रहे हैं इसका मतलब है हमको जानते नहीं है, ये काफी इनके लिए गंभीर खतरा, तो खतरा मतलब कि थ्रेट उत्पन्न हो गया है, तो इस प्रकार की चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसका मतलब देख पाएंगे कि आपको आपको इधर भी चीजें इस प्रकार की देखने को मिलेंगी, तो डायग्राम को याद रखिएगा, कभी कभी डायग्राम अगर आपको याद रहता है तो आपको प्रश्न आसानी से सॉल्व उसके बारे में कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा। दूसरा, आजकल क्रिप्टो करेंसी का बहुत अधिक चलन हो गया है, अधिकांश लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा देते हैं, हमारे साथ के कुछ लोगों ने पैसा लगाया, एक व्यक्ति के 65,000 रुपये लगाए तो उनके डूब गए, FTX में लगाए थे एक व्यक्ति के, कुल मिलाकर हमारे साथ के लोगों ने कम से कम जो अभी FTX की जो क्रिप्टो करेंसी थी उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास रुपए लगाया, तो उनके 1.5 लाख के आसपास रुपए इसमें क्या हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, जब मन होता है तो ये ऊपर कर देते हैं अपनी वैल्यू को, जब मन होता है तब वो बहुत नीचे चले जाते हैं, तो क्या होगा,
कि जो यूएस में जो एफटीएक्स जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था उसमें बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड हमको यूएस की हिस्ट्री में देखने को मिला। तो आरबीआई ने इसके ऊपर क्या किया, कंसर्न जाहिर किया कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, अलाउ टू ग्रो ब्लू लीड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हैं जो 2008 में हमको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली, वो अगली फाइनेंशियल क्राइसिस हमको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के द्वारा देखने को मिल सकती है, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने चिंताएं अपनी जाहिर की। और ये बात सच भी है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ के जो लोग हैं उनके द्वारा पैसा लगाया गया और वो बिल्कुल एफटीएस में क्या हो गया, बिल्कुल उनका पैसा बिल्कुल चला गया, क्योंकि कंपनी क्या हो गई, फ्रॉड हो गई। ठीक है, तो ये इसका क्या था, कॉन्टेक्स्ट था। अब हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को पढ़ें, और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर रहता है इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, और एक फिएट मनी होती है और एक क्रिप्टो मनी होती है, और भारत सरकार ने भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च करने का प्रयास किया है, उसमें और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर रहता है इस बात को हम पढ़ें, क्योंकि प्रश्न हमारे इसके इर्द गिर्द ही बनेंगे, इससे अधिक नहीं बन सकते। तो ये हमने समझा। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, इनक्रप्टेड फॉर्म में है और डिसेंट्रलाइज मैनर में हमको देखने को मिलती है, मतलब कि विकेंद्रीकृत रूप में इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर के रूप में काम करती है, ब्लैक चेन के माध्यम से काम करती है, सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन के फॉर्म में अपडेट होते रहते हैं करेंसी होल्डर के पास। ठीक है, जैसे इस बात को पहले समझो, जैसे किसी हमें मान लो किसी क्रिप्टो को, एक क्रिप्टो को हमको ट्रांजेक्शन करना है, कंपनी ए बांट, मान लो कंपनी ए कंपनी बी को क्या कर सकती है, अपने रुपए सेंड करना चाहती है, तो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट ऑनलाइन एज ए ब्लॉक। तो मान लो $1 हमको, हमने कंपनी ए से कंपनी बी को तो हमको ट्रांजेक्शन करना है, तो आपका जो $1 है ब्लॉक ब्लॉक के फॉर्म में शो करेगा, और ये ब्लॉक उस क्रिप्टो प्रोसेस में, ब्लॉक चेन में जितने भी हमको व्यक्ति हमको देखने को मिलेंगे वे ब्लॉक सबके पास से आएगा, बल्कि ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्टी इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क में जितने भी व्यक्ति होंगे वो ब्लॉक सबके पास जाएगा, और जब तक सभी व्यक्ति इस ब्लॉक का अप्रूवल ना कर दें, इस एल्गोरिथम को सॉल्व ना कर दें, तब तक ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक सभी लोग इसको वेरीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और आपका जो $1 है, एक बिटकॉइन है, वो कहाँ चेंज चला जाएगा, दूसरी बी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक कंपनी ए कंपनी बी में अपना रुपया आसानी से ट्रांसफर कर सकती है। तो आपने इस प्रोसेस में देखा कि इस नेटवर्क में जितने भी व्यक्ति जुड़े थे उनकी सबकी समान रूप से भागीदारी है, कोई एक व्यक्ति इसमें सुपरविजन के रूप में काम नहीं करता है। इसका मतलब है ये केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, और इसमें सभी लोगों की भागीदारी हमको देखने को मिलती है। तो इस बात को आपने समझा, तो यही बात हम यहाँ पे लिखी है कि क्या है, डिजिटल है, इनक्रप्टेड है, डिसेंट्रलाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर हमको देखने को मिलता है, और किस पे काम करता है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये हमने समझा। इसके अलावा आरबीआई के कंसर्न ये है कि इलीगल ट्रांजेक्शन होते हो सकते हैं, कोई ड्रग को अगर खरीद रहा है, कोई इलीगल वेपन्स को खरीद रहा है, कोई आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है, तो इस प्रकार की इलीगल ट्रांजेक्शन इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं, और वो सारे काम हमको डार्क वेब में देखने को मिलेंगे। तो अभी केवल इतना याद रखिए कि डार्क वेब क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। डार्क वेब मतलब ऐसा कोई लेन देन जिसपे किसी की नज़र आसानी से नहीं पड़ सकती, तो इसको डार्क वेब बोलते हैं। ठीक है, और हैक आसानी से हो सकता है, तो इस प्रकार की चिंता आरबीआई के पास भी थी। अब हम पढ़ लेते हैं पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या है, ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा आसानी से देखी जा सकती है, एक्सेस टू ब्लॉकचेन, तो इसको बोलते हैं पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। ट्रांजेक्शन को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, वैलेट जो आपका जो वॉलेट एड्रेस होता है उसमें आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, एक कम प्राइवेसी उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में जो बिटकॉइन है, एथेरियम है, क्या है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हमको देखने को मिलती है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें डिफरेंट लेवल पे हमको परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके हम क्या कर सकते हैं, विल बी हिडन, मतलब कि जो भी है चीजें सारी हम हाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा,
प्राइवेट हो गई, मोनेरो, जीकेएस, देस, होरिजन, हमको क्या देखने को मिलती है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस बात को हमने पढ़ा। अब आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है तो वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इस बात को समझे आप। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्या है वो, ई रुपी के फॉर्म में है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रुपी के फॉर्म में है। तो उसकी जो सारी विशेषताएं हैं, जो वर्तमान में हमारी जो मनी है जिसको फिएट मनी बोलते हैं, वर्तमान में जो मनी हमारी आरबीआई के द्वारा संचालित है, वो सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं उस आरबीआई की डिजिटल करेंसी में, ठीक है। जैसे मीडियम, फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, तो उसमें भी फिजिकल मीडियम एक्सचेंज तो नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमको देखने को मिलेगा। बिल और कॉइन के माध्यम से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिर सारी फिएट, जो फिएट मनी होती है उसकी विशेषताएं हैं, उसको आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, जो सेंट्रल बैंक की आरबीआई की जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो लीगल टेंडर के रूप में काम करेगा। लीगल टेंडर का मतलब है कि उसकी जवाबदेहिता आरबीआई अपने ऊपर लेता है। लेकिन जो फिएट मनी होती है और क्रिप्टो करेंसीज होती है, उसमें कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है। फिएट मनी जैसे वर्तमान में जो चलन में है उनको फिएट मनी बोलते हैं, जिसको फिएट का मतलब होता है कि आप उस मनी को लेने से इनकार नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फिएट मनी। जैसे आजकल आपने देखा होगा 1 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कॉइन आजकल दुकानदार नहीं लेते हैं, जबकि वो उसको लेने से मना नहीं कर सकते, ठीक है, अपराध है वो, इस बात को समझे। तो क्रिप्टो करेंसी फिएट कर मनी में अंतर है कि डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि फिएट मनी क्या हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी में वन प्राइवेट वन पब्लिक पीस ऑफ कोड हो सकता है, जबकि फिएट मनी में बिल ऑफ कॉइन्स के माध्यम से रिप्रेजेंट होता है। फिएट मनी अनलिमिटेड सप्लाई होती है, गवर्नमेंट इसको प्रोड्यूस कर सकती है जब इसकी आवश्यकता होती है तब, जबकि ये क्रिप्टो करेंसी है इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। इस क्रिप्टो करेंसी की जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम होती है, जैसे बिटकॉइन की लिमिट हमको 20 के आसपास हमको दे 20 डॉलर के आसपास हमको देखने 20 बिलियन डॉलर के आसपास हमको देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा क्या उसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, इसको कंप्यूटर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, ये सेंट्रलाइज मैनेज में काम करती है, इसको लॉ और बैंक के माध्यम से रेगुलर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जबकि ये डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करती है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा एंटिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। ये वैल्यू डिटरमाइंड होती है मार्केट रेगुलेशन से, इसकी वैल्यू डिटरमाइंड होती है सप्लाई और डिमांड से, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जितनी भी विशेषताएं हैं फिएट मनी की, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की विशेषताएं इसके अनुसार हमको देखने को मिलेंगी, लीगल टेंडर जिससे इसी के समान हमको देखने को मिलेगा। अब हमने एक शब्द पढ़ा डार्क वेब। तो मान लो तीन लेयर इसमें काम करती हैं वेब में, एक सरफेस वेब होता है, एक डीप वेब होता है, एक डार्क वेब होता है। डीप वेब का मतलब है कि जैसे आजकल आप गूगल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, विकिपीडिया चलाते हैं, ब्लॉग चलाते हैं, ई कॉमर्स चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो क्या है ये आसानी से उपलब्ध होता है, हर कोई व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है बेशर्त अगर उसके पास नेट उपलब्ध है तो। सरफेस वेब का है कि एक सतह पे है और हर व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है, इसको बोलते हैं सरफेस वेब। डीप वेब का मतलब है कि सरफेस वेब से थोड़ा नीचे है, केवल वो ही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है जिसके पास इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो, जैसे नेट बैंकिंग हो, रिसर्च पेपर हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, प्राइवेट फॉर्म्स हो, प्राइवेट नेटवर्क हो, हिडन विक्की हो, तो इसको पासवर्ड के माध्यम से हर व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। बस उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, पासवर्ड होना चाहिए। दूसरा डार्क वेब, डार्क वेब को आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसमें इसमें स्किल रोड हो सकता है, इलीगल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितने भी इलीगल ट्रांजेक्शन होते हैं डार्क वेब के माध्यम से होते हैं, और इसको हैकर के द्वारा बहुत ही जो अच्छे जो सर्च इंजन होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो अनियन सर्च इंजन है उसके द्वारा, अनियन, तो उसके द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है। इस डार्क वेब पे ही काम करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीन लेयर, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जो कुंडलकुलम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, जो रशिया की सहायता से बना है,
फर्स्ट बैच टीवीएस 2M न्यूक्लियर फ्यूल रसिया के द्वारा इंडिया को सप्लाई किया गया है ताकि आसानी से इसको काम कर सके। ये आपको डायग्राम देखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर का है, जो फ्यूल यूजली बर्क करता है। टीवीएस 2M में कंटेंट रहता है यूरेनियम और गोडोलियम ऑक्साइड रहते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट की तरह काम करता है विदाउट वनरेबल एब्जॉर्बर, ठीक है, रॉड्स। एब्जॉर्बर रॉड्स का मतलब होता है कि जो न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रकार का मटेरियल इसमें हमको देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट क्या है? एफिशिएंट है, मोर वाइब्रेंट है और रेजिस्टेंस है रिजिडिटी ड्यू टू फ्यूल बंडल के प्रति। यूरेनियम की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एफिशिएंटली ऑपरेटेड इन 18 मंथ फ्यूल साइकिल, मतलब कि 18 मंथ के बाद इसकी फ्यूल साइकिल रहती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो कुंडल कुलम जो हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमको इधर देखने को मिलेंगे, और वर्तमान में जो भारत में सारे पावर प्लांट है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं, नाभिकीय फ्यूजन पे काम करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कितने पावर प्लांट हैं? जैसे कुंडल कुलम की बात हो गई, कल्पक्कम की बात हो गई तमिलनाडु में, तारापुर की बात हो गई महाराष्ट्र में, कबोड़ा की बात हो गई आंध्र प्रदेश में, हरिपुर वेस्ट बंगाल, भीमपुर चुटका मध्य प्रदेश, और भीमपुर आपको देखने को मिलेगा इधर महाराष्ट्र, ठीक। इधर आपको कैगा कर्नाटक, जैतपुरा आपको महाराष्ट्र, मीठी वर्दी आपको गुजरात, और इधर आपको तारापुर आपको इधर महाराष्ट्र में है, ककरापर आपको इधर गुजरात में देखने को मिलेगा, माही बंसवारा आपको इधर राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको इधर और देखने को मिलेंगे, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, नरोरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नहीं, गोरखपुर आपको इधर हरियाणा, इधर इधर पंजाब में आपको इधर देखने को मिलेगा, नरोरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पावर प्लांट हैं, इसकी लोकेशन से आप याद रखिएगा। अब भारत का जो इंडिया का जो न्यूक्लियर का प्लान है 3 स्टेज पे काम करता है। जो भाभा थे उन्होंने कहा कि 3 स्टेज पे हम काम करेंगे। पहली स्टेज पे हम काम करेंगे यूरेनियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज करेंगे, आउटपुट के रूप में प्लूटोनियम होगा, और दूसरी स्टेज पे हम प्लूटोनियम यूरेनियम को मिक्स करके यूरेनियम 233 हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा, इसको बोलेंगे फास्ट वीडर रिएक्टर। और वर्तमान में जो कुंडल कुलम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसी स्टेज के अंतर्गत है, जिसको बोलते हैं फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। और थर्ड लेवल का हम थोरियम लेंगे, थोरियम यूरेनियम 233 को यूज करेंगे, इससे एनर्जी हमारे पास उपलब्ध होगी। तो ये वाला लेवल हम कहाँ होगा, हम हमारी क्या होगी, इसमें आत्मनिर्भरता होगी, हमारी किसी देश पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो हम इस स्टेज पे अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, यहाँ से इधर आएंगे तो हमें भी टाइम लगेगा, हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ का इम्पोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इस बात का उनका प्लान था। दूसरा प्रोजेक्ट चीता और कैंपा फंड चर्चा में है। जो प्रोजेक्ट चीता है, जो भी 8 चीता नामीबिया से जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पे लाए गए हैं, उसके बारे में कहा गया है कि उनको जितना भी कंजर्वेशन का काम है उसको कैंपा फंड से हम चलाएंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर और जो कैंपा फंड है, कंपलसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, कि उन्होंने कहा है कि अफ्रीकन चीता टू इंडिया में इस फंड के माध्यम से उनको स्टेब्लिश करेंगे, उनका कंजर्वेशन इसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। 2020 में प्रोजेक्ट चीता को लेकर आए, उन्होंने कहा कि 5 साल में हम 5 चीता भारत में इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसमें से 8 चीता अभी मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जो कि नामीबिया से हम लेके आए सितंबर 2022 में, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और इसको फंडिंग और सुपरविजन का काम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, इस बात को ध्यान रखें। तो चीता हमारे यहाँ से 1952 में ही एक्सटेंट हो गया, अभी वर्तमान में केवल 50-100 के आसपास ईरान में हमको देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चीता का सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या करता है, ओपन फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का प्रयास करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का प्रयास करता है, और जो इकोसिस्टम है सर्विस से उसको वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन, उसको बढ़ाने का क्या करते हैं ये लोग प्रयास करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे आप कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है,
और इधर आपको नौराधुई ये वाला पार्क है, इधर आपको इधर सहागण पार्क आपको इधर देखने को मिलेगा, ये आपको कुरु नेशनल पार्क आपको इधर देखने को मिलेगा। तीन प्रकार के हमको चीता देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन चीता, किंग चीता और एशियन चीता। किंग चीता भी अगर लगभग अफ्रीका में ही हमको देखने को मिलता है। अफ्रीकन चीता और किंग चीता की जो आयुषन स्टेटस है वनरेवल है, और एशियन चीता का जो आयुषन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप साइज में हमको अधिक दिखने को मिलेगा, जबकि थोड़ा सा अधिक है एशियन चीता, हमको इस तरह की दृष्टि से देखने को मिल सकता है। चीता ये क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है फॉरेस्ट, इसका फॉरेस्ट सवानास को आसानी से मतलब कि रिस्टोर कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस कर सकते हैं। ओनली लार्ज वाइल्ड मेमेलियन है स्पीसीज है जो क्या हो गया है, भारत से एक्सटेंट हो गया है, जैसे मैंने बताया 1952 से भारत से एक्सटेंट है। अभी केवल ईरान में हमको ये केवल देखने को मिलते हैं। एक्सटेंट क्यों हो गया कि जो ब्रिटिश उपनिवेश था हमारे यहाँ, तो वो अधिकांश शिकार करते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। जो साइट की अपेंडिक्स वन में इसको शामिल किया गया है, इसका मतलब है इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलता है। आयुषन स्टेटस जैसे हमने पढ़ा, अफ्रीका चीता का वनरेबल है, एशियाटिक चीता का क्रिटिकल एंडेंजर हमको देखने को मिलता है। कैंपा अफॉरेस्ट्री फंड में हमको दो तरह के फंड हमको देखने को मिलेंगे, नेशनल कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन फंड और स्टेट कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन फंड। इसके तहत जो 90% जो कलेक्शन है, पेमेंट है, वो स्टेट के पास जाएगा, 10% जो नेशनल लेवल का फंड है वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त दो एक नेशनल लेवल पर मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी स्टेब्लिश होगी और स्टेट लेवल पर एक मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी स्टेब्लिश होगी। इसका काम केवल ये है कि इंक्रीज फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, फॉरेस्ट रीजनरेशन करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बढ़ाना और रिलेटेड एक्टिविटी, तो जो क्योंकि ग्रीन कवर को बढ़ाने का काम करती हो, तो उसके माध्यम से हम इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा ये। दूसरा एशियन जेंट टॉर्टोइस चर्चा में है, इसको इटंकी जो नेशनल पार्क नागालैंड में है इसको रिलीज किया गया। इटंकी आपको इधर देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनको रिलीज किया गया। इनका नाम मोनोरिया इमस है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक नाम यूपीएससी कभी नहीं पूछती। और ये ओनली टर्टोज है जो अपने जो एग है उनको ले करता है ओवर द ग्राउंड इन ए नेस्ट, मतलब कि नेस्ट में क्या करता है, ले करता है, ले मतलब उनको रखता है। दूसरा ये नेटिव है साउथ एशिया जैसे बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, सिंगापुर से एक्सटेंड हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त नैनगुपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नोखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमको ये देखने को मिल सकते हैं। नैनखुफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको मिजोरम में देखने को मिलेगी और नॉनखेम लिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको मेघालय में देखने को मिलेगी। तो इन दो के नाम आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। आयुषन स्टेटस इसका क्रिटिकल इंडेंजर है, साइट के अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा आयुर स्वास्थ्य योजना चर्चा में है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करेगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसके लिए होगी। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, फॉर्म द फाइनेंशियल 2021-22 से है, और आयुष एंड पब्लिक हेल्थ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत काम करेगी। इसके तहत जो जितने भी आयुष मेडिकल हेल्थ यूनिट है उनको उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है उनकी सहायता से इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है 10 करोड़ की दी जाएगी और 3 साल तक की इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, और स्टेट और यूटी को इस प्रकार का कोई फंड देने का इसमें प्रावधान नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अर्कानट चर्चा में है, लोकसभा में एक प्रश्न उठाया शिवा मोग्गा ने जो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट से थे, कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पर हैवी ड्यूटी लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है इनकी जो प्राइस है काफी अधिक हो गई है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है अर्कानट। तो अर्कानट मोस्टली जो कन्फाइंड है 28 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में हमको देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर रेंज 14 डिग्री से 36 डिग्री से मध्य होती है, बिलो 10 डिग्री 40 डिग्री के आसपास हमको जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इनकी जो प्रोडक्शन है उसको नेगेटिव रूप से इफेक्ट करता है। वेराइटी ऑफ सॉइल में इनका प्रोडक्शन हो सकता है, जून दिसंबर में ये ऑप्टिमम
इनका प्रोडक्शन हमको देखने को मिला है। कर्नाटक में जो अराउंड जो प्रोड्यूस होते हैं 80% कंट्री के प्रोड्यूस होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है कर्नाटक में, कॉमर्स क्रॉप है नेशनल लेवल पे, और ड्राई फ्रूट क्रॉप है कहाँ इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इन तीनों प्रकार की जूस हमको इसको देखने को मिलता है। श्रीलंका से इंडोनेशिया से हम इसका इम्पोर्ट करते हैं, और इसी के कारण इनमें ड्यूटी लगती है, तो काफ़ी इनका प्राइस अधिक है। भूटान को, भूटान से भी हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, तो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस सरकार को रखनी चाहिए ताकि इस रेट से कम पे कोई इसको इम्पोर्ट ना कर सके, तो तुम्हारी डोमेस्टिक जो स्थिति है, जो डोमेस्टिक जो हमारी प्राइज हैं वो कम लेवल पे हमको देखने को मिले। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना, ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस चर्चा में है। न्यू मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इंडिया ने पोस्ट न्यू दिल्ली में कि जेम क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रोल आउट, जेम सर्विस ने रोल आउट की है अपनी सर्विस, कि वन स्टॉप कॉमन सर्विस जो सेंटर है, कॉमन सर्विस वन स्टॉप लेवल का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। इसमें सरकार की विभिन्न मिनिस्ट्री, चाहे वो स्टेट हो या केंद्र सरकार की, आपस में कनेक्टेड रहती हैं और इस प्रकार का प्रोक्योरमेंट आसानी से कर सकती हैं, ताकि जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई भ्रष्टाचार ना हो, इस प्रकार की चीजें ना हो। तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू रहते हैं इसमें। पेपरलेस, कैशलेस, कॉन्टेक्ट लेस प्लेटफॉर्म है, एंड टू एंड सोल्यूशन रहता है, और इसको जेम स्पेशल पर्पज व्हीकल 100% गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, जो कि सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के तहत क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत क्या करती है, काम करती है, इसको हैंडल करने का ये काम करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चर्चा में है, ग्लोबली रूप से फर्स्ट नंबर पे आई है कि इसमें फार्मर का इनरोलमेंट हो गया है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया। अगर किसानों की क्रॉप डैमेज हो जाती है अनप्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क के द्वारा, पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप्स एरिया नोटिफाई के द्वारा, तो सरकार इनको क्या देती है, प्रीमियम इनको भुगतान करती है इस योजना के द्वारा। इसमें कुछ प्रीमियम हमको देना पड़ता है, मतलब किसानों को देना पड़ता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, 2% खरीफ के लिए, और जो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनके लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। इस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सिटी चर्चा में है, जिसको इफ्सका सिटी बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी बोलते हैं, और ये आपको इस प्रकार की जो अथॉरिटी है, जो गिफ्ट सिटी है, जो कि गिफ्ट सिटी है, जो आपको गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिलेगी। ये क्या करती हैं, जो हमारी फाइनेंस रिलेटेड सर्विस होती हैं उनको रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता हमको देखने को मिले। तो इस इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने काउंसलिंग ऑन एनवायरमेंट, काउंसलिंग ऑन एनर्जी एनवायरमेंट मैटर की मदद से एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम सस्टेनेबल फाइनेंस की दिशा में काम कर सकें। तो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी क्या है, स्टेचुरी बोर्ड अथॉरिटी है। इस एक्ट के तहत 2019 में इसको बनाया गया। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप रेगुलेट करने का काम करते हैं, गिफ्ट सिटी के अंतर्गत काम करते हैं गांधीनगर में, जो हमको देखने को मिलेगी। सीवी क्या है, एशिया का की लीडिंग नॉन फॉर प्रॉफिट और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में है। न्यू कैप्चर री इंट्रोड्यूस जो वाइल्ड एलिफेंट है, जिसको PM2 बोलते हैं, पंडुलर मेघना, उसको अडॉप्टिंग किया गया है न्यू अमेठी, जैसे आप देख पा रहे होंगे मधुमलाई नेशनल पार्क के इधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थेपाकाडू एलिफेंट कैंप आपको MTR का, मधुमलाई नेशनल पार्क का, मधुमलाई टाइगर रिजर्व का आपको ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप देखने को मिलेगा एशिया में, बिफोर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले। और जो मधुमलाई नेशनल पार्क है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ट्राई जंक्शन पे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके ऊपर हम इसकी बाउंड्री वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला बांदीपुर टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगी। जैसे वायनाड आपको इधर देखने को मिलेगा और बांदीपुर टाइगर रिजर्व इसकी सेंचुरी इधर आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण टाइगर, जैसे ऊपर नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में देखने को मिलेगा,
बांदीपुर इधर देखने को मिलेगा, वायनाड इधर देखने को मिलेगा, मधुमलाई नेशनल पार्क इधर देखने को मिलेगा। प्रश्न आ चुका है लेकिन आगे आने की भी संभावना है। तो नेशनल पार्क जैसे आप देखेंगे, मुकुर्ती नेशनल पार्क इधर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इधर है, ठीक है, और मधुमलाई नेशनल पार्क इधर है, बांदीपुर इधर है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर है, राजीव गांधी नेशनल पार्क इधर है कर्नाटका में, तालीमलाई रिजर्व फॉरेस्ट इधर है, कल्लेपट्टा फॉरेस्ट कॉपी कॉम्प्लेक्स इधर है, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण चीज है यहाँ के जो नेशनल पार्क है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्ट बायो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सका है। उसमें ऑप्शन था पेन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अगस्तमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है, केरला रिजर्व देखने को मिलेगा। तो अगर एक ऑप्शन वायनाड का आपको अच्छे से पता होता तो वो ऑप्शन इजीली आप उसको क्वेश्चन को कर पाते। तो मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा वेरिएंट BF.7 चर्चा में है, ओमनीक्रॉन का जो वेरिएंट है वो भी चल रहा है, हाईली ट्रांसमिसिबल है, चाइना और जापान में केसेस अधिक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा जीनोम स्टडी में पाया गया, और भारत में भी इसके 4 केसेस हमको देखने को मिले हैं। ये जीनोम सिक्वेंसिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, डीएनए को जो भी मतलब वायरस रहता है उसके डीएनए को कट करते हैं, उसको ओवरलैप करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं सिक्वेंसिंग के लिए, उसके क्लोन बनाते हैं, सिक्वेंसिंग ईच फ्रेगमेंट की कर देते हैं, बाद में इसका ऑर्डर कर देते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि इसमें कितने चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उसको नया नाम दे देते हैं, जिसको जैसे इसको नाम दे दिया BF.7, ठीक है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग। ये सारा काम कहाँ होता है, लैब में कोडिंग करते हैं। दूसरा बेन्यू बापू ऑब्जर्वेटरी चर्चा में है, इसने स्टेलर को डिस्कवर किया है, 14-इंच टेलीस्कोप हमको देखने को मिलेगी, 50 ईयर सेलिब्रेशन से हुआ, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है ऑपरेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है, जवादी हिल्स में हमको बेलूर तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, जैसे जवादी हिल्स आप एक उधर देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको ये ऑब्जर्वेटरी देखने को BO आपको इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, इसकी लोकेशन से आप याद रखिएगा, ये जवादी हिल्स है, शिवराय हिल्स है, पचमलाई हिल्स है, मतुराई हिल्स है, तो आपको ये सारी रिवर्स का ये हिल्स कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको नीलगिरी है, कहाँ तमिलनाडु में, ये पलार रिवर्स है, पेरियार रिवर है, कावेरी रिवर्स है, बैगई रिवर है, तमारा पारनी रिवर है, तो ये रिवर सारी कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट बंगाल में नहीं बंगाल की खाड़ी में, कौन सी, पलार रिवर, पेरियार रिवर्स, कावेरी रिवर्स, बेगई रिवर और तामपाई। तो अक्सर आपसे प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन सी रिवर अरब सी में गिरती है, तो इनमें से एक ऑप्शन होगा तो आसानी इसको आप क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, पलार, पेरियार, कावेरी, कावेरी आपको पता ही है लेकिन छोटी छोटी नदी आपको पता नहीं रहती है, पलार, पेरियार, कावेरी, बेगई और ताम्रपरानी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, आपको नहीं पता होगी आई थिंक, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा, थैंक।